नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सबसे पहले हम काबुल ब्लास्ट की बात करेंगे। कल यानी 26 अगस्त का दिन काबुल के लिए बड़ी दुर्दशा लेकर आया, जब 6 घंटों के भीतर सिलसिलेवार तरीके से 7 बम धमाके होते हैं और उसमें करीब आपको बता दें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है। एयरपोर्ट समेत 7 जगहों पर एक के बाद एक सीरियल तरीके से ब्लास्ट हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आतंकी हमले में 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। इसके बाद तमाम जो महाशक्तियां हैं उन्होंने मंथन भी किया, हाईटेक मीटिंग भी बुलाई गई और अब जो बाइडेन की ओर से ये बड़ा बयान आया कि अब छोड़ा नहीं जाएगा, उन तमाम लोगों को चुन चुनकर मारा जाएगा जिन्होंने अमेरिका के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन इस आपको बता दें काबुल धमाके के चलते 200 से ज्यादा लोग अभी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 150 की हालत सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। मृतकों का आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। हजारों की तादाद में काबुल एयरपोर्ट पर लोग जुटे हुए थे इसी उम्मीद और इसी आश के साथ कि शायद किसी देश का विमान थोड़ी सी जगह दे दे, किसी देश को उन पर तरस आ जाए।